नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, आने वाला न्यू ईयर आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि और धर्म प्राप्ति हो, ऐसे मेरे दिल से प्रार्थना है। और अगर फ्रेंड्स आप ये मेरी यूट्यूब चैनल अजय ट्रेडर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में मंडे को क्या हो सकता है। इससे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट यहाँ पे आप चेक करोगे तो ग्लोबल मार्केट 244 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुआ है और डाउन जो 750 के करीब प्लस में ओपन क्लोज हुआ है। मैंने ये वन डे का चाया है निफ्टी का। निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है फ्रेंड्स 17,500 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। और जैसे कि उसका अल्टीमेट टारगेट फ्रेंड्स आने वाले वीक में रहेगा 18,050 के करीब जा सकता है आने वाले वन वीक में वन डे की चार्ट में। ओके, और बैंक निफ्टी का वन डे की चार्ट में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो वन डे की चार्ट में उसका क्लोजिंग हुआ है 40,784 पे क्लोजिंग हुआ है और उसका लाइफ टाइम हाई है 41,850 के करीब उसने हाई मारा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो पूरी संभावना है बैंक निफ्टी भी उसके हाई को टच करने की पूरी कोशिश करेगा आने वाले वीक में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में निफ्टी क्या कर सकती है। जैसे कि हमने एसजेएक्स निफ्टी में देखा कि वो 250 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग किया है तो हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा निफ्टी भी गैप ओपन होगा। लेकिन गैप ओपन कहाँ पर होगा वो हम अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये मैंने 15 मिनट की चार्ट लगाया है और उसका क्लोजिंग हुआ है 17,500, यानी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट मिनिमम ओपन होने की पूरी संभावना है। तो 580, 680, 780, यानी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है 17,750 उसके ऊपर क्लोज, उसके ऊपर ओपन होने की पूरी संभावना है हमारा निफ्टी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे हम कुछ टाइम वेट करेंगे या फिर वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार के अंदर बनती है इस टाइप की नेगेटिव के अंदर, रेड कलर की या फिर पूरी बेरिस कलर की कैंडल बनती है इस टाइप की रेड कलर की, तो उसी कैंडल का हमें हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं। या फिर एक काम भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ टाइम पे हम वेट कर देंगे 20-25 मिनट और प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करेगी उस तरफ वो जा सकती है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर समझो डाउन की साइड में आता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,750 के करीब ओपन होता है और 750 के करीब ओपन होने के बाद कुछ टाइम पर प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे और उसके बाद 17,700 को ब्रेक करेगा तो वो नीचे आने की पूरी संभावना है। टारगेट रहेगा हमारा 80 से 100 पॉइंट। ओके, और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर ऐसे 17,750 के करीब ओपन होता है और वहाँ पे कुछ टाइम पर ऐसे सेक्शन होता है प्राइस एक्शन बनाता है और उसके बाद अगर वो उसके हाई को ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 17,800, 17,850 और 17,900 ये वाला टारगेट। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा गैप ओपन होता है तो गैप फिल करने के लिए नीचे भी आ सकती है निफ्टी। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स मंगलवार का लेवल। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इसको मैंने लेवल ड्रो किया है वो मैं आपको अभी लगा लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप चेक करोगे कि जैसे निफ्टी गैप ओपन होता है वैसे हमारा बैंक निफ्टी भी गैप ओपन हो सकता है और उसका क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का 40,784 पे उसका क्लोजिंग हुआ है तो हम अनुमान लगाते हैं कि 500-600 पॉइंट वो गैप ओपन होगा। तो कहाँ पे ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, ई जोन में ओपन होता है अगर बैंक निफ्टी अगर 41,300 से लेके 41,400-500 के बीच में ओपन होता है ई जोन में, हो गया ओके, ई जोन में ओपन होता है तो हम कुछ टाइम पर उसको प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे और उसके बाद अगर इस 41,300 को या उसके जो भी लो बनाता है उसको ब्रेक करेगा 15-20 मिनट के बाद तो हम पुट बाई कर सकते हैं। उसका टारगेट आ सकता है 41,000 और दूसरा टारगेट आ सकता है 40,900 मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा वीक है तो आप समझ जाइएगा 40
1000, दूसरा टारगेट आ सकता है 40,950 डाउन की साइड में, ओके इसके करीब आने की पूरी पूरे पूरी वो कोशिश करेगा। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा गैप ओपन होने के बाद कुछ टाइम पे प्राइस अच्छा बनने के बाद अगर अपसाइड में वो ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है 41,500, 42,600 और तीसरा टारगेट आ सकता है 41,800। ये उसका हाई है, उसको हाई टच करने का वो कोशिश कर सकता है। फ्रेंड्स मैं हर रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ, और अगर आपको ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप खुद एनालिसिस करना सीख सकते हो, जिसका मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगाया हुआ है, उसको आप देखो और उसके आप देख देख के आप पेपर ट्रेडिंग करो। अगर पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो सिखाया है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है तभी आप ट्रेड करना। ओके फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।